अगर तुम लोग भी माइनक्राफ्ट में अपनी स्किन को कुछ ऐसा करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। तो हमें सबसे पहले दो ऐप की ज़रूरत होगी, दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको सर्च करना होगा, फिर आपके पास ऐसे दो टेम्पलेट आ जाएंगे, वो आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। फिर इधर आप क्लिक करके आप उसे पूरा रोटेट करके भी देख सकते हैं। फिर आपकी बात आती है इसे एक्सपोर्ट या सेव कैसे करना है, तो आपको बैक आ जाना होगा, इस पर क्लिक करना होगा और ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करके सेव एस फोटो या फिर सेव एस टेम्पलेट पर क्लिक करना होगा। फिर आपको अपने दूसरे ऐप को ओपन करना होगा और उसको सारी परमिशन दे देनी होंगी। ये दोनों ऐप गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल हैं। फिर आपको ऊपर प्लस के साइन क्लिक करके इम्पोर्ट PNG पे क्लिक करना होगा। फिर आपको वो फ़ोटो सेलेक्ट करनी होगी जो आपने अभी एक्सपोर्ट की है। फिर आपको दो बार तीन बार ऐसे करना होगा जैसे कि मैं कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे। फिर आपको उधर आ जाना होगा, फिर इमेज साइज क्लिक करके 128 दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह लिख देना होगा। फिर आप इस इमेज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। फिर आपको नीचे लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको प्लस वाले साइन पर जाना होगा, उस पर सेलेक्ट एन इमेज परमिशन दे देनी होगी। उसके बाद आपको अपनी PNG या फोटो जो भी कुछ है वो आप सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। नीचे मैग्नीफाइंग से आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, चाहे तो आप लोगो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा ही ब्लॉक हो जाएंगे, फिर वो क्लियर नहीं लगेगा, ब्लर सा हो जाएगा और कुछ समझ भी नहीं आएगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये बेरीज का जो PNG है वो मेरे स्किन पे आ गया है, तो मैंने इसको इधर सेलेक्ट कर दिया। बस ये आपको दो तीन बार ऐसी स्किन बनानी पड़ेगी तभी आपकी परफेक्ट बन पाएगी। अब आपकी स्किन बिल्कुल तैयार है, अब आपको इसे एक्सपोर्ट करना होगा और उसके बाद हमने माइनक्राफ्ट में लॉगिन करना होगा। एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट एंड PNG और PNG ट्रांसपेरेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। फिर एल्बम सेलेक्ट करनी होगी, फिर आपकी स्किन एक्सपोर्ट हो चुकी है। फिर आपको उसी दूसरे ऐप पर आ जाना होगा, फिर आपको क्लिक करना होगा फ्रॉम फोटो वाले ऑप्शन को। उसके बाद आपको अपनी उस इमेज को ढूंढ लेना होगा। उस इमेज को ढूंढने के बाद आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको स्लिम आर्म्ड स्किन सेलेक्ट कर लेना होगा। फिर आपकी स्किन कुछ ऐसी दिखेगी। फिर आप इसके लिए कोई भी PNG कर सकते हैं। फिर आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे MyPE वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको अपना माइनक्राफ्ट ओपन करना होगा, फिर प्रोफाइल को ओपन करना होगा। फिर आपको एक ऐसा कैरेक्टर देख लेना होगा जो कि बिल्कुल न्यू हो। ये मैंने पहले भी ट्राई कर रखे हैं, इस वजह से सब आ रहे हैं। जैसे मैं इसे डिलीट करके इसकी जगह कोई और ये ऐसा कैरेक्टर आपको दिखेगा। फिर आपको क्लिक कर देना होगा इस पर, फिर आपको करना होगा ओन पे, फिर आपको क्लिक करना होगा इम्पोर्ट पे। फिर उसके बाद मैंने एक बार और ट्राई करा था, इस वजह से आ रहा है। उसकी जगह आप नीचे चूज न्यू स्किन करके अपनी गैलरी में से वो स्किन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज का लाइक है 10 लाइक्स, तो जल्दी से पूरे करवा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।